Hello everyone, welcome back to my channel. If you are watching for the first time, please hit the subscribe button to watch latest video of delicious dish and also tap the bell button for the future notification. Today I am going to show you how to make mutton korma purani Delhi kareem style. तो इसके लिए हम इन्ग्रीडियंट देख लेते हैं. ये हमने मटन लिया हुआ है 1 kg और जिंजर गार्लिक पेस्ट है. ये दही हमने 1 cup ली हुई है और ये 250 ग्राम प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, गोल्डन फ्राई कर लिया है. और ये हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें ज़ीरा, क्यूमिन सीड, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, मेज़ यानी जायत्री, नटमेग यानी जायफल और 2 सफ़ेद इलायची यानी ग्रीन कार्डमम और 1 बड़ी इलायची ब्लैक कार्डमम और 3 लौंगे ली हैं यानी कि क्लोव्स. और ये कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस लिए हैं, जिसमें रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च, सॉल्ट मीन्स नमक, गरम मसाला थोड़ा सा हमने लिया है और ये धनिया लिया है, धनिया की पिसा धनिया है यानी कि कोरिएंडर पाउडर. इसको हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि कोरमे में ये ज़्यादा तादाद में पड़ती है. और ये हमने केवड़ा लिया है, केवड़ा वाटर, ये भी हम इसमें यूज़ करेंगे. तो चलिए हम इसको कुक करना शुरू करते हैं. इसको कुक करने के लिए सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाल लिया है. ये 2 tablespoon ऑयल हमने डाला है. इसको हमने हीट नहीं किया है, इसी तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था और इसमें हमने डायरेक्ट ये अपने मटन को डाल दिया. अभी हमने गैस भी ऑन नहीं की है. इस तेल के साथ हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और ये सारे खड़े मसाले जो हमने दिखाए थे वो डाल देते हैं. इसमें काली मिर्च, ज़ीरा, जायत्री, जायफल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें हैं. और ये साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे. अभी हमने गैस ऑन नहीं की है, हम सारे मसाले डाल देंगे, उसके बाद हम इसमें फ्लेम पे चढ़ाएंगे. ये धनिया पाउडर, क्योंकि हम कोरमा बनाने जा रहे हैं इसलिए हम धनिया पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे. और लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं. तो हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाला. गरम मसाला हम अभी छोड़ देते हैं, बाद में ऐड करेंगे. ये सारे इंग्रेडिएंट हम एक साथ मिक्स करेंगे मटन में. और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे. ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको और अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए 5-6 मिनट तक अच्छे से इसको भून लेंगे. हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे चलाते हुए. ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा झंझट हमें नहीं करनी होती है और बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है. और फेमस तो बहुत है ही, वो आप जानते ही हैं कि करीम पुरानी दिल्ली का बहुत ही फेमस है. ये हमने इसको चलाते हुए 5 से 6 मिनट कंटिन्यू इसको चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लिया है अच्छे से. इसने अपना पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे. ये 1.5 से 2 glass पानी हमने ऐड किया इसमें ताकि ये अच्छे से गल सके. और इसकी आंच को, इसकी फ्लेम को बिल्कुल हम कम कर देंगे और इसको गलने तक, 80% गलने तक हम इसको पका लेंगे. ये हमने ढक के मटन को अच्छे से गला लिया है. 80% के मटन गल चुका है हमारा. और अब हम इसमें फाइनली ये प्याज ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी. 1 kg मटन हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने ये 250 ग्राम 250 ग्राम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया था गोल्डन. और इसमें हम ऐड करते हैं इसको और ये गरम मसाला जो हमने बचाया हुआ था वो ऐड कर दिया. इसको थोड़ा सा हम और 5 मिनट ढक के पका लेंगे. 5 से 10 मिनट और हम पका लेते हैं ताकि ये अच्छे से पूरी तरह से गल जाए. एक बात हम आपको और बता दें कि
मेरा ताल्लुक लखनऊ और आसपास के एरिया से ज़्यादा है, दिल्ली और नोएडा से, इसलिए हम यहाँ की फेमस चीज़ें कोशिश कर रहे हैं कि आप तक अच्छे से सही तरीके से ओरिजिनल रेसिपी हम आपको पहुँचा सकें। तो इस तरह की सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो हम इसको ढक देते हैं और इसको पाँच से दस मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम और पका लेते हैं ताकि हमारा मटन गल जाए। अब हमने इसकी लिड को खोल दिया है और इसको हम 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू इसको चलाते हुए भून लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितना भी हमें ग्रेवी इसकी रखनी होगी उस हिसाब से, और 2 मिनट और पका लेंगे ढक के। फिर ये हमारा फाइनली तैयार हो जाएगा और इसको फिर हम डिश आउट कर लेंगे। ये हमने इसको चलाते हुए अच्छे से भून लिया है और ये बिल्कुल तैयार है। और फाइनली हम इसमें ग्रेवी देने जा रहे हैं, जिसके लिए हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये कंसिस्टेंसी आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसी इसकी थिकनेस रखना चाहें। बस इसको हमने डाला और उस पर लिड लगा के हम थोड़ा सा इसको पका लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये फाइनली फिर डिश आउट करने के लिए तैयार हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हमने 2 टीस्पून इसमें केवड़ा वाटर ऐड किया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। फाइनली इसको हमने डिश आउट कर लिया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मशहूर करीम स्टाइल कोरमे को अपने घर में एंजॉय करें। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।